हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका रसोई घर में। आज हम अपने रसोई में बहुत ही स्पेशल और बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम सूजी और आटे का हलवा बनाएंगे, जो बिल्कुल गुरुद्वारे और मंदिर में जो प्रसाद मिलता है बिल्कुल उस टेस्ट का हम बनाएंगे और बिल्कुल कम घी में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। इसके लिए मैंने चाय वाले कप से एक कप आटा लिया है, आधा कप मैंने चीनी लिया है और एक छोटी इलायची लिया है जिसे मैंने तोड़ लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिया है, 3 छोटा चम्मच मैं यहाँ घी ली हूँ और आधा कप मैंने सूजी लिया है। आप किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आटा का आधा भाग हमें सूजी लेना है और आधा ही चीनी लेना है। मेजरमेंट के लिए यहाँ पे कप यूज किया है, आप किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम चीनी लेंगे और उसमें क्रश किया हुआ इलायची डाल के उसमें हम आधा ग्लास के हिसाब से पानी डाल के चीनी को भिंगो के छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। जब कढ़ाई पूरी अच्छे से गरम हो जाएगी तो हम उसमें आटा डालेंगे। यहाँ हमें पहले घी नहीं डालना है, पहले हम यहाँ आटा डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके हम आटा को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। लगभग हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पे। आटा को लगातार चलाते रहना है वरना नीचे से आटा जलने लगता है। 2 मिनट तक ये देखिए अच्छे से भून गया है आटा। तो अब हम इसमें सूजी को डाल देंगे और अब हम आटा और सूजी को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें लगातार चलाते रहना है वरना आटा बहुत जल्दी जलने लगता है। और यहाँ पे पहले हमने घी नहीं डाला है, घी हम बाद में डालेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल गुरुद्वारे और मंदिर में जो प्रसाद मिलता है बिल्कुल उसी टेस्ट का ये बनता है और मैं इसे बिल्कुल कम घी में बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा का कलर चेंज होने लगा है, हमें इसे भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। आटा बिल्कुल परफेक्टली भून गया है फ्रेंड्स, देखिए इसका कलर हमें ऐसा रखना है। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही भुने हैं। अब उसके बाद हम जो चीनी को पानी में डाल के रखे थे उसे हम आटे में डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके अच्छे से पानी को आटा और सूजी के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है ताकि आटा में गुठली ना पड़े। जब आटा और सूजी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, हमें पानी इसमें एक बार नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, पहले थोड़ा घी डालेंगे फिर इसे मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा घी डालेंगे। और फिर इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे उसे डाल देंगे, थोड़ा सा मैंने रख लिया है गार्निशिंग के लिए। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, स्पेशली ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं और हेल्दी भी है, आटे का है। ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा हमारा बनके रेडी है और ये बहुत ही डिलीशियस बना है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हलवा कैसा लगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने कम घी में हमने हलवा बनाया है और ये बहुत ही लाजवाब दिख रहा है।